विज्ञान नमोता ही जाते भये अरहंतादि महान। करी मंगल करी हो महा ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहुं मैं त्या भाव, ताको करी निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव, करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवल टोडरमल जी साहब की यह सुंदर अनुपम रचना, एक एक शब्द गहराई से निकला हुआ है। एक एक विषय को जिसको उठाते हैं उसे जब तक अत्यंत स्पष्ट न हो जाए तब तक उसका समाधान करते रहते हैं। बहुत प्रकार से अनुयोगों को समझा रहे थे और समझाते समझाते पंडित जी साहब सारी बातें समझा दी। जितनी बातें समझाना चाहते थे वे सारी बातें उन्होंने लगभग समझा दी। अब पंडित जी को लगा कि इन शास्त्रों को पढ़ते समय कई बार कई बातें ऐसी होती है जो प्रथमानुयोग कुछ कह रहा है और चरणानुयोग कुछ कह रहा है, तो फिर पढ़ने वाले को ऐसा लगता है कि शायद ये परस्पर विरोध है। तो ये जो विरोध दिखाई देता है, परस्पर में विरोध दिखाई देता है अनुयोगों में, और पंडित जी ने एक बात और ऐसी कही कि परस्पर तो विरोध दिखता ही है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि परस्पर नहीं दिख करके एक ही अनुयोग में भी विरोध दिखाई देता है, कहीं कुछ और कहीं कुछ, एक जगह पर कुछ है और दूसरी जगह पर कुछ है। तो बहुत अच्छे स्पष्टीकरण यहाँ दिए हैं और बहुत सारे प्रकरण ऐसे उठाए हैं जिन प्रकरणों को देखकर आपको लगेगा कि यार क्या गजब कर दिया है पंडित जी ने। जिन्हें उनको तो पढ़ा है लेकिन किस गहराई से पढ़ा है देख देख करके पता लगता है। देखिए पेज नंबर 294, 294 नंबर पेज है, गुजराती वाली पुस्तकों में 299 नंबर पेज और 305 नंबर पेज गुजराती वाली पुस्तकों में है। अनुयोगों में दिखाई देने वाले परस्पर विरोध का निराकरण, इसका मतलब विरोध लगता है उसका कर रहे हैं हम यहाँ पर निराकरण। अब शास्त्रों में अपेक्षादिक को न जानने से परस्पर विरोध भासित होता है उसका निराकरण करते। इसका मतलब पंडित जी ये कह रहे हैं परस्पर जो विरोध दिखता है वो विरोध भी अनुयोगों को बराबर नहीं जानने से और अपेक्षा को नहीं जानने से होता है। कितना सरल बात कह रहे हैं भैया, विरोध है नहीं, विरोध दिखता है। देखिए आप ऊपर हेडिंग भी जो दी थी उस हेडिंग में शब्द दिए हैं अनुयोगों में परस्पर विरोध का निराकरण नहीं। अरे जहाँ विरोध हो उसका निराकरण क्या करेंगे, ये कह रहे हैं दिखाई देने वाले परस्पर विरोध का निराकरण। इसका मतलब विरोध है नहीं, विरोध दिखाई देता है। विरोध थोड़ी ने, जिनवाणी माँ की कथन करने की पद्धति में कोई विरोध थोड़ी ने, ऐसा थोड़ी ने कि कुंदकुंदाचार्य और नेमी चंद्राचार्य और वीर सेनाचार्य और रवि सेनाचार्य समंत भद्राचार्य इनमें आपस में कोई दुश्मनी होगी एक दूसरे में। समंत भद्राचार्य ने रत्नकरण श्रावकाचार्य लिखा, नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य देव ने गोमट सार आदि लिखे, रवि सेनाचार्य ने प्रथमानुयोग पद्म पुराण आदि लिखे और कुंदकुंदाचार्य देव ने समय सार लिखा। चारों अनुयोग अलग अलग शैली में लिखे गए हैं, चारों ही के लेखक वीतरागी संत हैं, तो क्या आपस में झगड़े हैं क्या, क्या करें।
बातें अलग अलग विवक्षा से लिखी गई है, इसलिए पहली लाइन में कह दिया अपेक्षा को न जानने से विरोध कहाँ है। अपेक्षा को न जानने से, और अपेक्षा माने होता है नए, अपेक्षा माने नए है ना, और अनुयोग भी एक अपेक्षा है। इसका मतलब मैं कभी ऐसा कहता हूँ कि प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग और द्रव्यानुयोग ये भी नए हैं, क्योंकि ये विवक्षा है ना। प्रथमानुयोग की विवक्षा से, इसका मतलब प्रथमानुयोग के नए से, प्रथमानुयोग वाले एंगल से, चरणानुयोग वाले एंगल से, करणानुयोग द्रव्यानुयोग वाले एंगल से, ये भी एक एंगल हो गया। तो अपेक्षा दिक को न जानने से परस्पर विरोध भासित होता है, भासित होता है, उसका निराकरण करते हैं। इसका मतलब भ्रम जो हो गया है उस भ्रम का निराकरण कर रहे हैं, विरोध का निराकरण नहीं कर रहे हैं। देखिए कितनी तरह की बातें आती है। प्रथम आदि अनुयोगों की आमनाएँ के अनुसार, प्रथम आदि अनुयोग, प्रथमानुयोग, प्रथम आदि अनुयोग मतलब प्रथमानुयोग, प्रथमानुयोगों की, प्रथम आदि अनुयोगों की, तो अब आदि और अनुयोगों, इसमें लगता है प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, आदि अनुयोगों की आमनाएँ के अनुसार यहाँ जिस प्रकार कथन किया हो, यहाँ जिस प्रकार कथन किया हो वहाँ उस प्रकार जान लेना। जो अनुयोग में जिस प्रकार कथन किया हो उस प्रकार जान लेना, अन्य अनुयोग के कथन को अन्य अनुयोग के कथन से अन्यथा जानकर संदेह नहीं करना। क्या समझ में आ रही है बात? अन्य अनुयोग के कथन को अन्य अनुयोग से विरोधी जान करके संशय नहीं करना, संदेह नहीं करना, क्योंकि वास्तव में दो यदि बातें कही जाएगी तो उनकी कहने की स्टाइल तो अलग अलग होगी। जैसे न्यूज़पेपर की हेडिंग्स की बात करते हैं ना, भास्कर अलग प्रकार की बात हेडिंग छाप रहा है, पत्रिका अलग प्रकार की हेडिंग दे रहा है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया अलग हेडिंग दे रहा है, और जो जो दैनिक नवज्योति हैं कि आपके महाराष्ट्र में सकाल चलता है, कि और भी जो चलते हैं सारे, बोले सब अलग अलग तरह की हेडिंग है, मूल भाव तो एक है सबका, विरोध थोड़ी ना है। ऐसे ही कह रहे हैं आपस में उनका विरोध जानकर संदेह नहीं करना। आमनाएं माने परंपरा, आमनाएं माने कथन करने की स्टाइल, आमनाएं माने हर अनुयोग की कथन करने की स्टाइल अपनी अपनी है, उसके बारे में कह रहे हैं। जैसे जैसे नींबू को कोई गोल कहेगा, कोई पीला कहेगा, सचिन जी नई पद्धति इसी प्रकार की है ना, जब नयों के बारे में कथन करते हैं तो मिश्री कैसी होती है तो मीठी कही जाती है। जैसे कहीं तो निर्मल सम्यक दृष्टि के शंका कांक्षा विचिकित्सा का अभाव कहा। बोलिए आपसे प्रश्न है एक छोटा सा, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के निशंकित आदि आठ अंग होते हैं या नहीं? बोले साहब होते हैं, क्या बात कर रहे हो, ये साहब मिथ्या दृष्टि के होते हैं या सम्यक दृष्टि के होते हैं? तो आप क्या कहेंगे, अरे भाई साहब कैसी बात कर रहे हो, सम्यक दृष्टि के होते हैं, निशंकित निकांक्षित निर्विचिकित सामूढ़ दृष्टि उपगुण स्थितिकरण वात्सल्य प्रभावना, ये आठों अंग तो सम्यक दृष्टि के ही होते हैं, पक्का होते हैं सम्यक दृष्टि जीव के। इसका मतलब सम्यक दृष्टि जीव के शंका नहीं होती है ना, सम्यक दृष्टि जीव के कांक्षा नहीं होती है ना, सम्यक दृष्टि जीव के विचिकित्सा नहीं होती है ना। शंका कांक्षा विचिकित्सा आठ दोष हैं ये, सम्यक दृष्टि इनसे रहित होते हैं, और निशंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा ये आठ अंग हैं, सम्यक दृष्टि इनसे सहित होते हैं। तो हमारा प्रश्न ये है, पक्का नहीं होते ना सम्यक दृष्टि, शंका कैसे करेगा? मुझे एक बात बतलाइए, भगवान महावीर स्वामी राजकुमार थे, दो चार हृदयधारी मुनिराजों के हृदय में शंका हुई, जिज्ञासा हुई, किसी तत्व की बात को लेकर के विकल्प खड़ा हुआ,
और वे निकल पड़े। भगवान वर्धमान से या बालक वर्धमान ही शंका का समाधान कर सकता है। मुझे तो यहाँ सिर्फ इतना सा कहना है कि क्या मुनि भूमिका में शंका हो सकती है क्या? आपने सुना होगा मस्तक से एक पुतला निकलता है आहारक रिद्धिधारी मुनिराजों के। यह आहारक रिद्धिधारी मुनिराजों के जो मस्तक से पुतला निकला है, इसका कार्य क्या है, इसका प्रयोजन क्या है? तीन तरह के शरीरों से पुतले निकलने की चर्चा जिनागम में आती है। एक है अशुभ तेजस, एक है शुभ तेजस और एक है आहारक पुतला। तीन बातें ना, दो तरह का तो तेजस है, निस्सरण तेजस दो प्रकार का है, निकलने वाला तेजस। एक अशुभ है जो बाएं लेफ्ट कंधे से निकलता है, दूसरा शुभ तेजस है जो दाएं कंधे से निकलता है। अशुभ तेजस निकलता है, ये निकलता है नष्ट करके आ जाता है, क्रोध उसमें निमित्त बनता है, 12 योजन तक सबको भस्म करके आ जाएगा, ये अशुभ तेजस का काम है। और जो शुभ तेजस है, क्या ये जो शुभ तेजस है, ये शुभ तेजस 12 योजन तक राउंड लगा करके आता है, इसमें परोपकार की भावना होती है। क्या साहब, शुभ तेजस में कंधे से निकलता है और परोपकार की भावना होती है, जगत के जीवों के उद्धार की भावना होती है, महामारी संकट जैसे भी समझ लीजिए, कोरोना हो गया देश में, पूरे देश और दुनिया भर में, तो ये शुभ तेजस निकला पुतला। कोई भावलिंगी संतों रिद्धिधारी मुनिराज हो, तेजस रिद्धिधारी हो, उनके दाहिने कंधे से शुभ तेजस पुतला निकलेगा, दिखता नहीं है, बहुत फास्ट निकलता है, और वो निकल करके जा पूरे ऐसे धरती के 12 योजन के अंदर, 12 योजन की तो है भी नहीं है धरती वर्तमान में जो दिखाई दे रही है, फटाफट एक राउंड लगा करके आए और वापस अपने शरीर में आकर के मिल जाता है। और जहाँ जहाँ महामारी रोग प्लेग हैं, कोरोना या समझ लीजिए इस तरह की जो भी बीमारियाँ फैली हुई थी, बर्ड फ्लू है, स्वाइन फ्लू है, ऐसा जो भी था, सब एकदम सारे झटके से ख़त्म हो जाती है सबकी सब, ये शुभ तेजस। तो ये विकल्प आ रहा है मुनिराज को, दया का परिणाम आ रहा है, रक्षा का परिणाम आ रहा है, करुणा का परिणाम आ रहा है, ये भी मुनिराज के जीवन में है। चलिए अभी एक और जो तीसरे पुतले की हम बात कर रहे हैं, ये निकलता है मस्तक से, जिसका नाम है आहारक। क्या, तो अब ये जो आहारक है, ये आहारक के दो हेतु बतलाए गए शास्त्रों में। क्या दो हेतु बतलाए गए इस आहारक के? वो दो हेतु क्या हैं? बोले एक तो है शंका के समाधान के लिए, पहला तो है शंका के समाधान के लिए। दूसरा बतलाया गया तीर्थ वंदना के विकल्प से। क्या, दो बातें कहिए, या तो मुनिराज को इस तरह का विकल्प आ जाए कि भाई मुझे तो तीर्थ वंदना करनी है, जिनेंद्र देव के दर्शन करने, या तीर्थ वंदना का विकल्प आ गया तो मस्तक से पुतला निकलेगा अंतर्मूर्त के लिए और वो जाएगा और नाक की सीध में चलता है बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट सीधा, और जाकर के वहाँ दर्शन करके वापस लौट करके आ जाता है। या फिर होता है तीर्थ वंदन, ये शंका के समाधान के लिए, ठीक है ना। अब ये जो दिखता है कि नहीं दिखता है, वास्तव में होता तो है पौद्गलिक। क्या, ये पौद्गलिक है, ये सभी तीनों पुतले जो हैं ये पौद्गलिक हैं, इसलिए अमूर्तिक तो इनको अपन कह नहीं सकते, लेकिन इनका गमन इतना फास्ट होता है कि हमारे वर्तमान में चक्षुओं से पकड़ में नहीं आ सकता, आँखों से दिख नहीं सकता, इतना फास्ट निकल गया सामने से कि पकड़ में नहीं आ सकता। हमारे कोई अवधि ज्ञानी आदि कोई विशेष ज्ञान के धारी मुनिराज हों तो वे पकड़ ले वे, इसमें क्या हो गया। तो बात यहाँ यह कहनी है कि बात यहाँ ऐसी कहनी है इसके संबंध में, अंतर्मूर्त का ही काल है, माने वो अंतर्मूर्त के अंदर अंदर वो बदल ही जाता है, वो मतलब वो उसके क्या कहेंगे, उसका स्वरूप ही इसी तरह का है उस पुतले का, कि इतने समय के अंदर वो उसको बदलना ही पड़ेगा, वापस आ जाता है वो लौट करके। अभी यहाँ प्रश्न जो ये अनुयोगों में जो विरोध दिखाई दे रहा था, वो ये दिखाई दे रहा था कि भैया एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि चौथे गुणस्थानवर्ती शंका से रहित होता है,
तो पांचवें वाले की तो होनी नहीं चाहिए शंका, तो छठे सातवें वाले में शंका का क्या प्रयोजन होगा। और आप ये कह रहे हो कि रिद्धिधारी मुनिराज भी शंका के लिए चले जाते, पुतला निकल जाता है, इतनी शंका है तो कैसे होगा। देखिए तो ये इन्होंने जवाब दिया, भैया हो जाता है इसलिए विरोध नहीं समझना इसमें परस्पर में। तीन बातें कह दी, शंका के लिए, कांक्षा के लिए, विचिकित्सा के लिए, क्या कहीं भय का, चौथी लाइन पढ़ रहा हूँ इस पैराग्राफ की, कहीं भय का आठवें गुणस्थान पर्यंत लो। भय का, भय मतलब शंका, समय सार में जहाँ निर्जरा अधिकार के अंत में निशंकित आदि अंगों की चर्चा की कुंद कुंदाचार्य देव ने, वहाँ निशंकित आदि अंगों की चर्चा करते हुए उन्होंने निर्भया निशंका ऐसा ऐसे शब्द के प्रयोग किए। और अमृत चंद्राचार्य देव ने स्पष्टीकरण करते हुए छह कलश लिख दिए सात भय से रहित होने के लिए। भले कौन जीव निशंकित होता है, जिसको भय नहीं होता वो निशंकित होता है, भय नहीं है वो निशंकित है। तो सम्यक दृष्टि जीव निशंकित है या नहीं है, कि सम्यक दृष्टि जीव तो निशंकित है, तो फिर भय नहीं है ना उसके। बोले करणानुयोग तो आठवें गुणस्थान तक भय का सद्भाव कह रहा है, तुम कह रहे हो चौथे गुणस्थानवर्ती के भय नहीं है, चौथे वाले के भय नहीं है, और हम कह रहे हैं आठवें वाले के भी उदय का आ गया है, ऐसा कैसे होगा क्या? ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, आठवें गुणस्थान पर्यंत, माने आठवें गुणस्थान पर्यंत भय का सद्भाव कहा। और लोभ, लोभ होता है क्या? लोभ माने है कांक्षा, कांक्षा माने क्या है? इच्छा रखना, उसका नाम है लोभ। समझ में आ रही है बात? कांक्षा माने लोभ हो गया कि भाई हमें इच्छा है, हम ये चाहते हैं ऐसा काम हो जाए, ऐसा काम हो जाए, ये तो हो गया कांक्षा। और अब कह रहे हैं दसवें गुणस्थान तक लोभ रहता है। सूक्ष्म सांपराय नाम दिया है दसवें गुणस्थान का, सांपराय माने होता है लोभ, सूक्ष्म लोभ का सद्भाव दसवें गुणस्थान तक है। तो नौवें गुणस्थान में बोले उससे ज़्यादा है, बादर सांपराय का है नौवें गुणस्थान में। फिर और नीचे उतरो तो आठवें गुणस्थान में बोले और ज़्यादा लोभ होगा, बोले छठे सातवें में बोले और ज़्यादा होगा, कांक्षा होगी। फिर और नीचे उतरो तो और होगी। अच्छा और तो और सुनिए, पंचम गुणस्थान तक निदान नाम का अर्थ ध्यान का है। क्या निदान? निदान क्या चीज है? इच्छा करने का नाम ही तो निदान है ना। आप कह रहे हो सम्यक दृष्टि जीव की कांक्षा नहीं होती, और फिर निदान नाम का अर्थ ध्यान पांचवें गुणस्थान तक कह रहे हो, तो ये बात कैसे बनेगी? माने शल्य भी है माया मिथ्यात्व निदान, और इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग पीड़ा चिंतन और निदान, ये चार अर्थ ध्यान भी है। अर्थ ध्यान का सद्भाव छठे गुणस्थान तक का है अर्थ ध्यान का। लेकिन इन चार प्रकार के अर्थ ध्यानों में से जो निदान नाम का अर्थ ध्यान है, ये निदान नाम का अर्थ ध्यान पंचम गुणस्थान तक कहा है। निदान माने कांक्षा, निदान माने भोगों को चाहना। अब वो कितना बहुत हल्के स्तर पर होता होगा, पांचवें गुणस्थान वाला क्या चाहेगा, लेकिन फिर भी सिद्धांत में कहा तो है निदान पांचवें गुणस्थान तक है। अब एक तरफ तो कह रहे हैं चौथे गुणस्थान वाले की कांक्षा नहीं है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि निदान पांचवें गुणस्थान में भी है। इसी तरह से आगे चलो, फिर कहा विचिकित्सा, विचिकित्सा कहाँ है? विचिकित्सा का अभाव है चौथे वाले के। क्या छठे गुणस्थान के अंदर जो अर्थ ध्यान होता है वो इष्ट वियोग होता है, अनिष्ट संयोग होता है, पीड़ा चिंतन होता है, ये तीन अर्थ ध्यान का सद्भाव का है छठे गुणस्थान में। बहुत सूक्ष्म होता है भाई साहब, बहुत सूक्ष्म होता है, आप मोटा मोटा पकड़ पाओ ऐसा नहीं है। इष्ट वियोग नाम का अर्थ ध्यान ऐसा हो जाता है, संघ के आचार्य का देवलोक गमन हो गया, संघ में रहने वाले किसी युवा मुनिराज का देवलोक गमन हो गया है? अब इष्ट वियोग नाम का अर्थ ध्यान हो जाता है, इसमें बहुत बहुत हल्के लेवल पर होता है, मतलब हमारी जैसे कोई रोने पीटने नहीं लग जाते हैं, मतलब खेत खेलने ज़्यादा दुखी नहीं होते हैं, लेकिन मन में जो किंचित विकल्प आ गया इस तरह का, अरे यार क्या संसार की असार दशा है। देखो आप, हमारी उम्र इतनी हो गई,
हम 60, 65, 70 साल के हो गए, ये 35 साल के युवा हमारे मुनिराज थे, इनका देवलोक गमन हो गया, कैसे जीवन पूरा हो जाता है, कुछ भी नहीं और अचानक झटके से जीवन पूरा हो गया तो हो गया, अब क्या करें। तो फिर वैराग्य भावनाओं का चिंतन करते हैं, सब कुछ पीड़ा चिंतन हो सकता है, स्वयं की पीड़ा का चिंतन नहीं करें, लेकिन जो वैयावृत्ति आदि जो दिखाई देती है अन्य मुनिराजों की संग में, आखिर चिंतन तो पीड़ा संबंधी चल ही रहा है ना, इनको कितनी तकलीफ हो रही होगी, लेकिन हे मुनिराज तुम क्या तकलीफ करते हो, जो संबोधन करते हैं 40-40 मुनिराज तक वैयावृत्ति करने के लिए, समाधि के लिए, संलेखना के लिए लगे रहते हैं, तो ये कदाचित कोई पीड़ा के बारे में कोई विकल्प खड़ा हो गया तो ये आर्थ ध्यान है, ये इसी तरह का कदाचित कोई निदान नाम का अर्थ, निदान नहीं होता है छठे गुण स्थान, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग और पीड़ा चिंतन, अनिष्ट के संयोग संबंधी भी कुछ हो जाए, लेकिन हैं बहुत हल्के स्तर पर, इतना ही समझना, माने उनके जैसे गृहस्थों के जिस प्रकार का अर्थ ध्यान होता है, इस तरह का अर्थ ध्यान मुनिराज के नहीं होता है, लेकिन चूंकि सिद्धांत में करणानुयोग में कहा है, छठे गुण स्थान तक कहा गया है, तो अभी ये कह रहे हैं एक तीसरे प्रकार की बात कह रहे हैं, शंका नहीं होती लेकिन फिर भी सद्भाव कह दिया, कांक्षा नहीं होती लेकिन फिर भी सद्भाव कह दिया, इसी तरह से विचिकित्सा चौथे गुणस्थान वर्ती के विचिकित्सा भी नहीं होती लेकिन फिर भी जुगुप्सा आठवें गुणस्थान पर्यंत का है, वहाँ विरुद्ध नहीं जानना। बोलो तो फिर साहब आप कह रहे हो कि नहीं है और है भी, और फिर कह रहे हो विरुद्ध भी नहीं जानना, तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई। आप ये कह रहे हो एक तरफ तो सम्यक दृष्टि के शंका कांक्षा विचिकित्सा नहीं होती, और दूसरी तरफ ये कह रहे हो कि सिद्धांत में कहाँ है, तो एक तरफ कह रहे हो नहीं होती, दूसरी तरफ कह रहे हो कहाँ है, और तीसरा वाक्य बीच में जोड़ रहे हो कि विरोध मत समझना, तो यार मैं हम तो कन्फ्यूज हो गए बहुत ज़्यादा, हम क्या करें पिताजी साहब, अपन क्या करें बतलाओ, एक तरफ कह दिया नहीं होता, दूसरा तरफ कह दिया होता है, तीसरा तरफ कह दिया कि विरोध भी मत समझना, अब क्या करें। तो पंडित जी का वाक्य सुनो, सुनिए सब, पंडित जी क्या समाधान कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि के श्रद्धान पूर्वक तीव्र शंकादिक का अभाव हुआ है, ये देखो आप तीव्र शंकादिक का अभाव हो गया है सम्यक दृष्टि के जीवन में, अथवा मुख्यतः सम्यक दृष्टि शंकादि नहीं करता, उस अपेक्षा चरणानुयोग में सम्यक दृष्टि के शंकादिक का अभाव का है, सम्यक दृष्टि जीव शंका नहीं करता है भाई साहब, मोटी मोटी शंका नहीं करेगा, कांक्षा नहीं होगी, ऐसा नहीं है भोग चाहिए, ये चाहिए, साधन चाहिए, सुविधाएं चाहिए, मैं तो मरा जा रहा हूं उसके लिए, ऐसी कांक्षा थोड़ी ना होती है सम्यक दृष्टि के, इतनी घृणा थोड़ी ना करेगा, थोड़ा बहुत घृणा का परिणाम भी आया, थोड़ा सा लगा भी, फिर संभल भी गया, और क्या है, जैसा भी कहा ना लहरें के उतरने चढ़ाव की तरह इस तरह की स्थिति होती है, क्षण मात्र के लिए आ गया, हवा की झोंके की तरह और आया और चला गया, इस तरह के परिणाम होते हैं ज्ञानियों के अंतर में, कुछ थोड़े बहुत हो जाते हैं लेकिन स्थूल नहीं है, किसी के पकड़ में आने योग्य जैसे नहीं है, मोटे मोटे नहीं दिखते हैं, मुख्य रीति से उनके अभाव दिखाई देता है, ऐसा समझना, परंतु सूक्ष्म शक्ति की अपेक्षा भयादिक का उदय अष्टमादि गुणस्थान पर्यंत पाया जाता है, अष्टम गुणस्थान पर्यंत पाया जाता है, शुरू सूक्ष्मता से यदि आप देखोगे तो इस प्रकार की बातें वहाँ पाई जाएगी, आठवें गुणस्थान तक भी भयादिक का सद्भाव, इसलिए करणानुयोग में वहाँ तक उनका सद्भाव कहा है, इसी प्रकार अन्यत्र जानना, क्या क्षणिक है, थोड़ा बहुत हो गया है, किंचित मात्र सद्भाव दिखाई दे रहा है, जैसा कहा है वैसा समझ लेना। देखिए अभी एक वाक्य पंडित जी कहकर के पिछली बातों को आपको याद दिला रहे हैं, एक वाक्य बड़ा सुंदर यहाँ दिया है, जरा देखिए आप पेज नंबर 295 पर आगे बढ़ रहे हैं अपन, पहले अनुयोगों के उपदेश विधान में कई उदाहरण कहे थे, अनुयोगों के उपदेश विधान में पहले कई उदाहरण कहे थे, कहे हैं वह जानना, अपना अथवा अपनी बुद्धि से समझ लेना, इस तरह की बहुत तरह की बातें कही। पीछे जब अपन ने प्रथमानुयोग के व्याख्यान का विधान पढ़ा, करणानुयोग चरणानुयोग के व्याख्यान का विधान पढ़ा, ये जो पीछे प्रकरण चल रहा था अपना 271 नंबर पेज से लेकर लगभग 10-12-15 पेजों के अंदर जो प्रकरण चला था, उनमें बहुत तरह के ऐसे एग्जाम्पल दिए थे,
शंका नहीं होती साहब, सम्यक दृष्टि की शंका नहीं होती। अच्छा एक बात बतलाओ, वो अंजन चोर कौन से अंग में प्रसिद्ध हुआ? निशंकित अंग में प्रसिद्ध हुआ। पक्का कि हाँ, शास्त्र का उदाहरण है, समंत भद्राचार्य देव ने लिखा है, अंजन चोर कौन निशंकित अंग में प्रसिद्ध हुआ भाई साहब, अंजन चोर निशंकित अंग में। क्यों? बोले फट 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 फट, शंका नहीं करके उसने चीखे काट दिए। अच्छा पक्की बात कह रहे हो आप, सम्यक दृष्टि था ना, शंका तो नहीं थी, तो कांक्षा थी या नहीं थी? हैं, क्या बात कर रहे हो आप, शंका तो नहीं थी, कांक्षा थी या नहीं थी? आकाशगामिनी विद्या प्रकट हो जाए, ये प्रकट हो जाए, ऐसा प्रकट हो जाए, बच जाऊं, कांक्षा से ही तो किया था। तो एक तरफ तो कह रहे हो निशंकित पना है, दूसरी तरफ कह रहे हो कांक्षा मौजूद है, अब क्या होगा? तो कहा भाई स्थूल रीति से नहीं है, इस अपेक्षा से कहिए, प्रथमानुयोग के कथन है, इनको इस अपेक्षा से जान लेना चाहिए। क्या देखो, ऐसे बहुत तरह की बातें मिल जाएगी आपको अनुयोगों की स्टाइल में, आपको इस तरह की बहुत सारी बातें मिल जाएगी। ऐसी ऐसी बातें, कई कई हीन कार्य करे उसकी प्रशंसा करते हैं, उच्च कार्य करे उसकी भी निंदा करते हैं, नीच कर रहा है, ऐसा कर रहा है, उसने तो इस वजह से किया था, मुनिराज के ऊपर उपसर्ग कर दिया, ग्वाले का उदाहरण दिया था, कितने कितने फटाफट लाइन से दिया, पढ़ो ना पीछे पेजों को एक बार, यदि थोड़े से पेज बदल करके देखो तो आपको बातें ख्याल में आने लग जाएंगी, कैसी कैसी बातें कही है। तो इन्होंने कहा भैया पीछे से जान लेना उस विधान के बारे में, उपदेश विधान में कई उदाहरण कहे थे, वहां से जान लेना और अपनी बुद्धि से भी बहुत सारे समझ लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 295 नंबर पेज पर ही, तथा एक ही अनुयोग में विवक्षावश अनेक रूप कथन करते हैं। एक ही अनुयोग में, अभी क्या बात कही, पिछला पैराग्राफ जो पढ़ा था उस पैराग्राफ में बात कही थी अलग अलग अनुयोग और विरोध, अब यहाँ कह रहे हैं एक ही अनुयोग में, एक ही अनुयोग में विवक्षावश अनेक रूप कथन करते हैं। जैसे कर्णानुयोग में प्रमादों का सातवें गुणस्थान में अभाव कहा, प्रमाद कहाँ तक है भाई साहब? कर्णानुयोग क्या कह रहा है? छठे गुणस्थान का नाम है प्रमत्त, सातवें का नाम है अप्रमत्त। क्या तो प्रमाद का सद्भाव कौन से गुणस्थान तक है? बोले छठे गुणस्थान तक। अच्छा देखिए, ऐसा देखिए, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग। मिथ्यात्व कहाँ है? बोले पहले में। अभाव कहाँ है? बोले चौथे में। अविरति, अविरति कहाँ तक है? बोले चौथे तक। अविरत सम्यक्त्व गुणस्थान है ना, चौथे तक अविरति है। पांचवे में देश विरत है, छठे में विरत हो गया, पूरी तरह से विरत हो गया। तो ये मिथ्यात्व अविरति। प्रमाद कहाँ तक है? बोले छठे गुणस्थान का नाम है प्रमाद, ठीक है। सातवें गुणस्थान का नाम है अप्रमत्त, माने सातवें गुणस्थान में प्रमाद का अभाव हो गया है। कषाय कौन से गुणस्थान में? बोले दसवें गुणस्थान तक कषाय है, दसवें तक, माने दसवें के आगे कषाय का अभाव है। और योग बोले चौदहवें गुणस्थान में योग का अभाव है, अयोगी हो गया है चौदहवें गुणस्थान में। अब यहाँ ये कह रहे हैं प्रमाद के संदर्भ में, कर्णानुयोग ने कहा ना कि छठे गुणस्थान तक प्रमाद है, सातवें में अप्रमत्त है, छठे तक प्रमाद का सद्भाव कहा। जरा वाक्य पढ़िए आगे का, तथा वहीं वहीं मतलब कर्णानुयोग में ही कषाय आदि का सद्भाव दसवें आदि गुणस्थान पर्यंत का है। बोलो कषाय का सद्भाव कौन से गुणस्थान तक है? बोले दसवें तक है, वहाँ विरुद्ध नहीं जानना। ये सब समझ में नहीं आया, ये क्या कहना चाह रहे हो भाई? प्रमाद के 15 भेद हैं। प्रमाद कितने प्रकार का? 15 प्रकार का। प्रमाद के 15 भेद हैं। कौन कौन से 15 भेद हैं प्रमाद के? प्रमाद के 15 भेद बतलाओ, बोलो पिताजी साहब। चार कषाय, क्रोध मान माया लोभ, चार विकथा, पांच इंद्रिय विषय, निद्रा और प्रमा स्नेह। क्या प्रणय भी कहते हैं, निद्रा और प्रणय, प्रणय माने स्नेह। तो चार कषाय, चार विकथा, पांच इंद्रिय विषय, चार और चार आठ और पांच 13, निद्रा और प्रणय, प्रणय माने स्नेह, निद्रा माने नींद, नींद भी प्रमाद है, और स्नेह ये भी प्रमाद है।
पांचों इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति, बोले ये भी प्रमाद है। बोले चार विकथाओं में समय बिताना, ये भी प्रमाद है। और चार कषायों में समय बीतना, क्या ये भी प्रमाद है। तो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये भी प्रमाद है ना, कि हाँ साहब प्रमाद है क्रोध, मान, माया, लोभ, ये भी प्रमाद है। तो फिर क्रोध, लोभ का सद्भाव कहाँ तक रहता है, बोले दसवें गुणस्थान तक। तो प्रमाद का सद्भाव दसवें गुणस्थान तक हो गया ना। ओहो क्या बात कह रहे हो, प्रमाद का सद्भाव कौन से गुणस्थान तक हो गया, दसवें गुणस्थान तक हो गया प्रमाद का सद्भाव। अब प्रमाद का सद्भाव दसवें गुणस्थान तक कह रहे हो, और यहां कह रहे हो सातवें गुणस्थान में प्रमाद नहीं है, और दोनों बातें करणानुयोग की है। यहां तो कह दिया छठे तक है और वहां कह दिया दसवें तक है, अब क्या करें, क्या 15 प्रकार के प्रमादों को समझाने की जरूरत कहाँ है। 15 प्रकार के प्रमाद तो आपके ख्याल में आ गए ना, सब लोग कषायें समझ में आ गई, विकथाएं समझ में आ गई, स्त्री कथा, भोजन कथा, राज कथा, चोर कथा, ये विकथाएं कथाएं, इनकी चर्चाएं। पांचों इंद्रिय विषय समझने की जरूरत नहीं है, निद्रा समझने की जरूरत नहीं है। प्रणय शब्द का अर्थ होता है स्नेह, स्नेह माने राग भाव, जो भी पर के प्रति, स्त्री पुत्रादि के प्रति जो राग का भाव है, ये सब प्रणय है, ये सब स्नेह है, ये सब प्रमाद है। तो ये कह रहे हैं भाई साहब करणानुयोग में ही एक जगह पर कैसा कथन और दूसरी जगह पर कैसा कथन। सोच सोच करके आश्चर्य लगता है, अनुयोगों के अंदर भी इस प्रकार की बातें, ये जो विरोध दिखाई दे रहा है। अब टोडरमल जी साहब इसका समाधान करते हैं, जरा देखिए क्या समाधान कर रहे हैं यहाँ पर, सुनना भैया किस तरह की बातें कह रहे हैं। ऊपर से ही पढ़ रहा हूँ वापस। तथा एक ही अनुयोग में विवक्षावश अनेक रूप कथन होते हैं, माने प्रथमानुयोग का प्रथमानुयोग से बात कटेगी, चरणानुयोग चरणानुयोग के अंदर बातें दिखेगी कुछ कुछ, द्रव्य करणानुयोग करणानुयोग के अंदर बातें कुछ कुछ दिखाई देगी। जैसे करणानुयोग, फिर नीचे चल करके चरणानुयोग में दिखाएंगे, फिर नीचे चल करके और बातें कहेंगे। करणानुयोग में प्रमादों का सातवें गुणस्थान में अभाव कहा, सातवें में अभाव कहा, मतलब छठे तक सद्भाव कहा, सातवें में अभाव, छठे में सद्भाव। वहाँ कषायादिक प्रमाद के भेद कहे, तथा वहीं कषायादिक का सद्भाव दसवें आदि गुणस्थान पर्यंत कहा, दसवें गुणस्थान पर्यंत सद्भाव कहा है, वहाँ विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि यहाँ प्रमादों में तो जिन शुभाशुभ भावों के अभिप्राय सहित कषायादिक होते हैं उनका ग्रहण है, क्या, और सातवें गुणस्थान में ऐसा अभिप्राय दूर हुआ है। यहां माने कहां, हमारे यहां, यहां माने और नीचे की भूमिका में, यहां माने गृहस्थ की भूमिका में, क्या गृहस्थों की चर्चा चल रही है, क्योंकि यहां प्रमादों में तो, प्रमादों में माने जहां प्रमादों की चर्चा की है वहाँ पर तो अभिप्राय सहित कषाय आदि होते हैं उनका ग्रहण किया है। भैया हमारे प्रमाद है या नहीं है, कि बिल्कुल प्रमाद है, क्यों, क्योंकि उसका ग्रहण किया है जहाँ शुभ अशुभ भावों का अभिप्राय है, शुभ करना चाहता है, अशुभ करना चाहता है, पाप करना चाहता है, पुण्य करना चाहता है, हैं इन भावों को करना चाहता है, चौथे पाँचवें वाला गुस्सा आ रहा है, मन तो ऐसा कर रहा है पिटाई करूं तेरी, तो करना चाह रहा है ना कषाय, गुस्सा करना चाह रहा है, ऐसे अभिप्राय सहित कषाय आदि का ग्रहण किया है, यहाँ तो उनका ग्रहण है। और सातवें गुणस्थान में ऐसा अभिप्राय दूर हो गया है, इसलिए उनका वहां अभाव कह दिया है। सातवें गुणस्थान में ऐसा बुद्धिपूर्वक कषाय का विकल्प तो है नहीं, सातवें गुणस्थान में बुद्धिपूर्वक अभिप्राय तो है नहीं कषाय करने का, इसलिए अभाव कहाँ है। तथा सूक्ष्म भावों की अपेक्षा, जैसे देखो अभी छठे गुणस्थान सातवें गुणस्थान में नींद नहीं चाहते हैं, क्या इच्छा है क्या बुद्धिपूर्वक मैं सो जाऊं, नहीं, अरे सदा स्वरूप में जागृत और सावधान रहने की भावना है, अप्रमत्त हैं वे, अप्रमादी हैं वे, एक तरफ तो ये बात है, इसलिए कहा कि भैया सातवें गुणस्थान में प्रमत्त नहीं है। अब कह रहे हैं सूक्ष्म भावों की अपेक्षा, अब करणानुयोग तो केवल ज्ञान गम्य भावों को भी पकड़ता है, इसलिए सूक्ष्म भावों की अपेक्षा उन्हीं का दसवें आदि गुणस्थान पर्यंत सद्भाव कहाँ है। अब इन्हीं का सद्भाव कह दिया दसवें गुणस्थान तक, बोलो क्या कहना है।
दसवें गुण स्थान तक सूक्ष्म भाव की अपेक्षा से, माने केवल ज्ञान गम्य कथन है, कौन पकड़े। कोई व्यक्ति हमें ये कहे कि साहब छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों का लोभ बतलाओ, लोभ बतलाओ, तो हम लोभ बतला देंगे आपको। पेज नंबर 3 पर लिखा है टोडरमल जी साहब ने, धर्म के लोभी अन्य जीवों को देखकर कदाचित धर्मोपदेश देते हैं, ये लोभ बतला दिया हमने मुनिराज का। अरे यार क्या बात करें मुनिराज और लोभी की, हाँ किनको, धर्म के लोभी जीवों को देखकर धर्मोपदेश देते हैं। शास्त्र लिखने का लोभ है, समझाने का लोभ है, बताने का लोभ है, हैं ये सब लोभ होते हैं इस तरह के मुनिराजों के, सूक्ष्म भाव की अपेक्षा से है। चलो कोई बात नहीं, सातवें तक तो पकड़ में आ गया, आठवें वाले के लोभ बतलाओ। बोलो उल्लास भाई, आठवें गुणस्थान वाले के लोभ बतलाओ। विनू भाई, आठवें गुणस्थान वाले के क्या लोभ होगा, नौवें गुणस्थान वाले के क्या लोभ होगा, दसवें गुणस्थान वाले के क्या सूक्ष्म लोभ होगा। केवल ज्ञान गम्य है, सिद्धांत में सद्भाव का है, अब हम क्या बतलाएं। अभी तो आठवें नौवें गुणस्थान में तो क्रोध मान माया भी कहाँ है, आठवें और नौवें में, आठवें और नौवें गुणस्थान में क्रोध मान माया लोभ चारों कई हैं क्या, और वेद का सद्भाव भी है। ये सब बातें कहते रहते हैं टोडरमल जी, पीछे भी कही थी शायद वेद के सद्भाव के संदर्भ में चर्चा आई थी ना, प्रथमानुयोग करणानुयोग की चर्चा करते समय ब्रह्मचर्य तो कह दिया साध, छठे सातवें गुणस्थान वर्ती ब्रह्मचर्य महाव्रत के धनी है, फिर वेद का सद्भाव कह दिया नौवें गुणस्थान तक। तो सूक्ष्म भावों की अपेक्षा से इस प्रकार के कथन किए, उनका ग्रहण किया है, दसवें गुणस्थान पर्यंत उनका सद्भाव कहकर के पुकारा गया। क्या सातवीं प्रतिमा वाला तो ब्रह्मचर्य प्रतिमा वाला है, ठीक है ना, लेकिन ब्रह्मचर्य महाव्रती तो नहीं है। ब्रह्मचर्य महाव्रती छठे सातवें गुणस्थान तक है, अब वेद कषाय का सद्भाव नौवें गुणस्थान तक का है। अब नहीं पकड़ पाएंगे भाई साहब, हम नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि आठवां गुणस्थान नौवां गुणस्थान का मतलब श्रेणी चढ़ने वाला हो, आठवें नौवें गुणस्थान वाले श्रेणी चढ़ने वाले इस पंचम काल में तो होते ही नहीं है श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराज। आठवें नौवें गुणस्थान वाले यदि शपक श्रेणी वाले हैं तो भाई साहब मिनटों और सेकंडों में भगवान बनने वाले जीव हैं वो, सेकंडों में, कुछ सेकंड बाद में उनकी अनंत दशा होने वाली है, कुछ सेकंड बाद में, ऐसे जीव के कह रहे हैं क्रोध भी है, मान भी है, मायाचार भी है, लोभ भी है। बताओ तो सही, केवल ज्ञान गम्य बातों को पकड़ता है भैया, ये करणानुयोग जिस सूक्ष्मता में जाकर के बातों को पकड़ता है, ये बातें हमारे दिलो दिमाग में आ ही नहीं सकती है, पकड़ में आ ही नहीं सकती है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, एक पैराग्राफ और लेते हैं, यहाँ चरणानुयोग के संदर्भ में क्या बात कह रहे हैं। तथा चरणानुयोग में चोरी, क्या बात कह रहे हो चोरी, हाँ जी चोरी की चर्चा निषेध करेंगे ना उसका, चोरी पर स्त्री आदि सप्त व्यसन का त्याग पहली प्रतिमा में कहा है। चरणानुयोग ये कहता है कोई प्रतिमाधारी है, कोई त्यागी है, देखो पहली प्रतिमा में इसलिए कहा है कि चौथे गुणस्थान तक तो अविरति है, समझना बात क्या कह रहे हैं, और पंचम गुणस्थान में पहली प्रतिमाधारी वो पांचवा गुणस्थान है, दो कषाय चौकड़ी का अभाव है उसके, तो चौथे गुणस्थान वाले के भले ही परिस्त्री सेवन नहीं होता, सप्त व्यसन नहीं होते, चोरी आदि नहीं होते हैं चौथे गुणस्थान वाले के, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के कैसे होंगे। हम तो यहाँ तक कहते हैं सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव, क्या सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव, उसके भी सप्त व्यसन नहीं होंगे जीवन में। अब ये कह रहे हैं यहाँ जरा वाक्य सुनिए, चोरी परिस्त्री आदि सप्त व्यसन का त्यागी पहली प्रतिमा में कह दिया, तथा वहीं उनका त्याग दूसरी प्रतिमा में का है। क्या पहली प्रतिमा में त्याग है और फिर कह रहे हैं दूसरी प्रतिमा में उनका त्याग करता है, क्योंकि दूसरी प्रतिमा में अणुव्रति होता है, वहां विरुद्ध नहीं जानना। अरे यार साफ साफ विरोध दिखाई दे रहा है, फिर आप कह रहे हो विरुद्ध नहीं जानना, पहली प्रतिमा में होता है त्यागी के दूसरी प्रतिमा में त्यागी होता है, चौथे गुणस्थान वाला त्यागी होता है कि पंचम गुणस्थान वाला होता है, सप्त व्यसन किसके जीवन में नहीं है, कहना क्या चाहते हो पंडित जी, आप कह रहे हो विरोध नहीं समझना और हमें तो चौड़े ही विरोध दिखाई दे रहा है,
तो पंडित जी यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि भाई ये जो कथन किए जाते हैं ये कथन विवक्षा सहित होते हैं, कथन अपेक्षा सहित होते हैं, कथनों में मुख्यता और गौणता अनेक प्रकार की होती है। क्या देखो, तथा वहीं उनका त्याग दूसरी प्रतिमा में कहा विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि सप्त व्यसन में जो चोरी आदि कार्य ऐसे ग्रहण किए हैं, एक तरफ जो व्यसन की चर्चा की है, क्या सप्त व्यसन में जो चोर तो जो सप्त व्यसन में तो सप्त व्यसन में तो चोरी आदि कार्य ऐसे ग्रहण किए हैं, सप्त व्यसन में तो ऐसे ग्रहण किए हैं जिनसे दंडाधिक पाता है। चोरी किए सजा मिलेगी, चोरी किए पुलिस पकड़ करके ले जाएगी। कुशील व्यभिचार करने वाले की क्या कह रहे हैं, लोक में अति निंदा होती है, उसे ग्रहण किया है सप्त व्यसन में। हिसाब ये सप्त व्यसन का त्यागी है, इसके जीवन में सप्त व्यसन नहीं है, इसका मतलब लोक निंदे कार्य नहीं है। क्या सप्त व्यसन जीवन में नहीं है, इसका मतलब ऐसे सप्त व्यसन नहीं है जो समझ लीजिए लोक निंदे हो, ऐसे सप्त व्यसन नहीं है। अब ऑफिस के टेलीफोन का उपयोग कर लेगा कि नहीं करेगा बतलाइए, ऑफिस में बैठा है और ऑफिस के टेलीफोन का उपयोग कर लेना तो चोरी है या नहीं, उसके चोरी तो है भाई साहब, आप कैसे यूज में ले रहे हो। ऑफिस के पोस्ट कार्ड को आपने, पोस्ट कार्ड तो चलते ही नहीं है, जमाना ही बदल गया है, उसे व्यक्तिगत उपयोग में लिया तो वो चोरी है या नहीं है। वहाँ के पेन को आप घर ले आए और उस पेन को आपने ऑफिस के पेन को अपना ही पेन समझ लिया और घर ले आए, और घर तो लाए ही, खुद तो यूज में ले ही रहे थे, अपने बच्चों को प्रयोग में लेने के लिए दे दिया, तो ये चोरी है या नहीं है। क्या सही कह रहे हैं भाई साहब लोहड़िया जी, आजकल तो इंटरनेट, दूसरे के इंटरनेट को उपयोग में लेना, ये चोरी है या नहीं है। चोरी तो है, चोरी तो है, लेकिन ऐसी चोरी का त्यागी नहीं है, ये चोरी अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। इंटरनेट बात अपराध में आता है, समझ में आ रही है बात, ये अपराध के अंदर नहीं आ रहा है ये। ठीक है चोरी है, जितना उसको चाणक्य का तो उदाहरण है, एक दीपक को उसने बुझाया और दूसरे दीपक को उसने जलाया, वो तो वही अति लेवल पर कोई बात थी, लेकिन यदि आप जन सामान्य की दृष्टि से बात करेंगे तो इन बातों को अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाता है, न तो ये लोक निंदे हैं न ये अपराध है। राजदंड दंड नहीं मिलता है, तो फिर त्यागी है या नहीं है, कि उसे त्यागी कह देंगे कि भैया हाँ ये चोरी का त्यागी है, ये कुशील का त्यागी है, ये इस चीज़ का त्यागी है, ये परस्त्री सेवन का त्यागी है, इन सबको त्यागी कह देंगे। लोक में जिनसे अति निंदा होती हो ये सब उसके जीवन में नहीं होता, इसलिए उसे सप्त व्यसन का त्यागी कह देते हैं। तथा व्रतों में, अब व्रत की बात करो, अभी तो बात कहेंगे कही है कौन सी, क्या जर्मनी से भाई साहब राजीव जी कौन सी बात कह रहे हैं, अभी जो बात कही है ये बात तो कही है अविरति की, क्या, और अब जो बात कह रहे हैं ये कह रहे हैं व्रति की, कि व्रति हो गया मान लीजिए, अब प्रतिमाधारी है तो अब ऐसे व्रतों में ऐसी चोरी आदि त्याग करने योग्य कहे हैं कि जो गृहस्थ धर्म से विरुद्ध होते हैं वे किंचित लोक निंदे होते हैं, उनके त्याग की बात कही है पंचम गुण स्थान भर्ती की, उसमें भी अतिचारों की बातें कही गई है। पंचम गुण स्थान भर्ती के योग्य जो बातें कही गई है वो किंचित गृहस्थ धर्म से विरुद्ध होते हैं, उनका त्याग करने के लिए बात कह दी। ये चोरी नहीं करेगा भाई साहब, अब ये चोरी नहीं करेगा तो आप बतलाइए, चोरी तो नहीं करी इसने तो ग्रंथ ला सकता है नहीं मंदिर से, अतिचार लग जाते हैं, पूछ करके ले आता है, था के मंदिर में था अधिकारी कौन था, पूछ लिया किसी और से ले आया, अतिचार हैं। चोरी के अतिचारों को पढ़ो जरा, किस किस तरह की बातें कही गई है, आचौर्य व्रत के अतिचारों को पढ़िए किस तरह की बातें कही गई है, देखिए कह रहे हैं सो विरुद्ध होते हैं ऐसे किंचित लोक निंदे होते हैं, ऐसा अर्थ जानना, इसी प्रकार अन्यत्र जानना चाहिए। मैंने कुल मिलाकर के बात यह है, कहीं तो कथन किया जाता है वो अत्यंत सूक्ष्मता से कथन किया जाता है, कहीं कथन किया जाता है वो स्थूलता से कथन किया जाता है, जहाँ स्थूलता से कथन हो
उसे स्थूल अपेक्षा से किया गया समझना चाहिए, जहाँ सूक्ष्मता से कथन हो उसे सूक्ष्म विवक्षा से किया गया समझना चाहिए। तो जहाँ जैसी विवक्षा हो उस प्रकार का कथन समझ लीजिए, झगड़ा नहीं है, मुख्यता और गौणता की बातें। इस सूक्ष्मता और स्थूलता के प्रकरण को, इस गहराई और स्थूलता के प्रकरण को कई उदाहरण देकर के इस प्रकरण में कई इसी तरह की सूक्ष्मता और स्थूलता अनुयोगों में विरोध पद्धति को पंडित जी साहब ने यहाँ गहराई से समझाने का प्रयत्न किया है। हम इन बातों को कल आगे बढ़ाएंगे, बड़ी मार्मिक चर्चाएं हैं, मज़ा आएगा जब पढ़ेंगे। तो आज जैसे आपको विरोधाभास जैसे दिखाई दे रहे थे, कल भी कुछ इसी तरह के जिनागम के विरोधाभास की चर्चा करेंगे, जिन्हें पढ़ करके आपको लगेगा दिख तो रहा है विरोध, लेकिन यदि अपेक्षा समझ ली गई है, नए यदि समझ लिया गया है, तो फिर उसमें रंच मात्र भी विरोध नहीं है। विषय को कल आगे बढ़ाएंगे। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नौ बार मुका नमो हरिहंताणं नमो सिताणं नमो आयरियाणं नमो विचायाणं नमो लोहे सर्वेसाणं।